नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। पहले हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सहजनवा जागपे अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद वो जेल बाईपास फोर लेन के निर्माण कार्यों की जानकारी लेंगे। वहां से निकलकर गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेंगे, जिसके बाद वो शुक्रवार की सुबह को जनता दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले ही योगी का बुलडोजर गरज रहा है, जबकि पूरे देश में कई जगह सरकारें इस मॉडल को अपनाती भी दिख रही हैं। अब इसी क्रम में योगी का नया लाउड स्पीकर मॉडल सुर्खियां बटोर रहा है। स्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक लाउड स्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर को उतरवा रही है और जो वैध हैं वहां आवास को नियंत्रित करवा रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां डासना देहात के उस्मान घड़ी इलाके में 35 से 40 साल पुराने बने अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकार ने अतिक्रमण से पहले नोटिस भी जारी किया था, जिसके बावजूद मकान खाली नहीं करने पर प्रशासन ने अवैध मकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम सदर विनय कुमार, तहसीलदार समेत भारी पुलिस बल भी मौजूद रही। देख रहे हैं प्राइम टीवी में, आपके साथ प्रवीण मिश्रा। आपको बता दें, बाबा बुलडोजर, जी हां, आपने बाबा बुलडोजर का नाम काफी सुर्खियों में सुना है और लगातार आप बाबा बुलडोजर का कारनामा भी देख रहे हैं। यही हम इसी क्रम में हम इस समय आपको बता दें, हम इस समय गाजियाबाद के डासना में पहुंच चुके हैं, जहां पर बाबा का बुलडोजर, ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो बाबा का बुलडोजर है जो अपनी कार्रवाई करने वाला है। थोड़ी देर में इस मकान को, ये मकान है मेरे सामने, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस मकान को ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि ये अवैध रूप से बना हुआ था यहाँ पर, जो कि बाबा का बुलडोजर है। देख लीजिए, पूरा प्रशासन है यहाँ पर, शासन है, सभी लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। लगातार बाबा बुलडोजर की कार्रवाई लगातार पूरे उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली में भी की जा रही है। आप देख सकते हैं, ये वो मकान है जो अनलीगल तरीके से बना हुआ था। कहीं ना कहीं शासन ने इसको नोटिस दिया, नोटिस देने के बावजूद भी इन लोगों ने अभी तक मकान को खाली नहीं किया था। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लोग, बुलडोजर आने के बाद उसका डर देखिए लोगों किस तरह से अब सता रहा है कि अपने मकान, आप यहाँ से सामान जो है वो निकालने की कोशिश में लगे पड़े हैं, जद्दोजहद में लगे पड़े हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है बाबा का बुलडोजर, ये काफ़ी प्रचलित चल रहा है, इस समय काफ़ी सुर्खियों में है बाबा का बुलडोजर। ये वो मकान है जिसको नोटिस भी दिया गया है यहाँ पर, लेकिन लगातार नोटिस के बावजूद भी यहाँ के लोग थे जिनका सामान था, उन्होंने खाली नहीं किया था सामान। लेकिन अब शासन प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर पूरा सामान खाली कराया जा रहा है, साथ में थोड़ी देर ही बाद इस पर बुलडोजर भी चलने वाला है। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों में गर्मी और विकराल रूप धारण कर सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों में उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का अनुमान है। इस दौरान उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई हिस्सों में हीट वेव का भी प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लोगों को आने वाले 1 सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने की कोई अनुमान नहीं है। मैनपुरी में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि किसान की गेहूं की खरीद नहीं हो रही है और प्रदेश का किसान बाजार में गेहूं बेचने को मजबूर है। आगे चाचा शिवपाल और आजम खान की मुलाकात पर जुबानी बार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो आजम के मुकदमे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो वो तब कहां थे जब भाजपा सरकार उन पर मुकदमे लगा रही थी। बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को, तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं? अजय जी, आजमगढ़ और रामपुर से किसे प्रत्याशी बनाए हैं? लेट क्यों कर रहे हैं? अजय जी, नाराजगी का कारण क्या? चाचा से आपकी नाराजगी? मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है।
योगी सरकार ने जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि तेज आवाज में बजने वाले स्पीकर उतरवाए जाएं। इसी कड़ी में अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में गरीब मंजिल दोधपुर स्थित मस्जिद से बुधवार को पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर उतरवाए गए, जिस पर मस्जिद के मौलवी का कहना है कि लाउड स्पीकर तो अजान के लिए लगाए गए हैं, जिनसे लोगों को नमाज का समय पता चल सके। लाउड स्पीकर की आवाज पहले ही कम कर दी गई थी, लेकिन लगातार इलाका पुलिस मस्जिद पर आकर लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए बोल रही है। इसलिए जहां जहां चार लाउड स्पीकर लगे हैं, वहां दो लाउड स्पीकर उतरवा कर मात्र दो स्पीकर छोड़े जा रहे हैं। गवर्नमेंट के आदेश हैं तो इसलिए दो हैं, वो चार हैं तो दो उतरवा रहे हैं और आवाज भी कम करा रहे हैं। ये तो हुकूमत की वजह है साहब, उतारना वरना अपनी मर्जी से न उतारे जा रहे, लेकिन हुकूमत कह रही है तो उतार देंगे। जान तो इसलिए दी जाती है कि बस जिनके पास मोबाइल ना घड़ी ना, वो अपने टाइम से आ जाने, वरना टाइम से सब आ ही जाते हैं। खबर संभल से है, जहां भारतीय किसान यूनियन असली के जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान के नलकूप सिंचाई की बिजली का बिल कब शून्य होगा, आवारा छुट्टा पशुओं किसानों को कब निजात मिलेगी, क्योंकि आवारा पशु किसानों की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन असली से अपील करता है कि किसानों के किए हुए वादे किसानों के हित में पूरे किए जाएं, अन्यथा मजबूर होकर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन असली के नेतृत्व में अपने हक के लिए 9 मई 2022 से सभी जनपदों के मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की होगी। जहां एक तरफ प्रदेश की सरकार छात्रों का भविष्य सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं चंदौली में प्राथमिक स्कूल की लापरवाही योगी सरकार के आदेशों का पलीता लगा रही है। ताजा मामला प्राथमिक विद्यालय पालपुर का है, जहां स्कूलों का जायजा लेने पहुंचे पत्रकारों ने प्रिंसिपल से टीचर्स के स्कूल नहीं आने का कारण पूछा, जिस पर प्रिंसिपल गुस्सा हो गए और पत्रकारों से अभद्रता करते हुए बोले कि स्कूल चेक करने ये कौन सा टाइम है, स्कूल चेक ही करना है तो 9 बजे आइए और हमको बता कर आइए। जिसके बाद प्रिंसिपल सुरेश सोनकर ने पत्रकारों को देख लेने तक की धमकी दे डाली। खबर औरैया से है, जहां औरैया पुलिस ने शासन और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराते हुए सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटवा दिया है और चेतावनी दे दी है कि ध्वनि को नियंत्रित कर लिया जाए, जिससे किसी दूसरे को परेशानी ना हो और आगे भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कराया जाए और ऐसे जो भी लाउड स्पीकर है उनकी ध्वनि परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। वहीं स्थानीय नागरिकों ने भी इस मामले पर विरोध जताया। ये सरकार का बहुत सराहनीय फैसला है, ये सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, सभी पर लाउड स्पीकर हटाए गए और जहां नहीं हटाए गए उनकी आवाज़ धीमी गति के लिए बजाने को कहा गया है। ये सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, किसी धर्म या मजहब के साथ भेदभाव नहीं किया है। मैं सरकार के इस फैसले का पूर्ण समर्थन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि मंदिर मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल पर या किसी बाहरी स्थान पर जो साउंड की पोजीशन रहेगी वो रात में 40 डेसिबल और दिन में 50 डेसिबल रहेगी, जबकि प्रायः देखा जा रहा है कि मस्जिदों में अजान के वक्त इनका किसी भी मानक का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे चाहे बच्चों की पढ़ाई में हो, चाहे वृद्धों बीमार बुजुर्गों को हो, अन्य भी बीमार लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेके पब्लिक की राय थी और लोगों ने शिकायतें भी की थी, जिसके द्वारा सरकार द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया बादशाह वक्त उत्तर प्रदेश योगी जी महाराज ने जो अपनी बात को कहा है या हुक्म किया है वो सारी जनता के लिए है, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई, क्योंकि उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मस्जिद से आप लाउड स्पीकर उतार लें और मंदिर में लगे रहें। सारे देशवासियों के लिए उन्होंने जो गाइडलाइन की है हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसमें उन्होंने कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया जो एक तरफी हो। ऐसे लगभग 170 की संख्या में हमने जो लाउड स्पीकर हैं जो अतिरिक्त संख्या में थे वहाँ पे उनको हटा दिया गया है और वो स्वेच्छा से लोगों ने हटाया है सभी धर्मगुरुओं से संवाद करने के बाद। और साथ में ऐसे कुछ लाउड स्पीकर हैं जिनकी ध्वनि जो परिसर से बाहर जा रही थी जैसा मानक तय किया गया है,
तो उनको भी चेतावनी दी गई है और ऐसे लगभग 180 की संख्या में ऐसे लाउड स्पीकर्स हैं और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हैं जिनको चेतावनी दी गई है कि अपने लाउड स्पीकर की जो ध्वनि है उसको नियंत्रित मात्रा में करके रखें। खबर कानपुर से है जहां सफाई के नाम पर अधिकारी पलीता लगा रहे हैं और स्वच्छ भारत अभियान के चलते भी शहर में गंदगी देखने को मिल रही है और शहर की बड़ी नहर भी नाला बन गई है। सफाई के नाम पर केवल रोजमर्रा की निकलने वाली गंदगी ही इसी नहर में डाली जाती है जो शहर में बीमारियों की वजह बन रही है। तो बताते चले कानपुर जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है पर जो ये कानपुर की जो रामगंगा नहर है ये जो नहर बनी हुई है ये नहर कानपुर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक है। अगर कहने को आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी नहर है कानपुर के लिए और जो यहाँ पे लोग हैं पहले एक जमाने में यहाँ पे जल का यूज होता था और जो है यहाँ पे जो है पूर्वांचल के लोग जो है अपने देवी देवताओं को छठ मैया की पूजा भी करते थे। पर आपको क्या लगता है कि जो यहाँ कितनी गंदगी इस नहर भरी हुई है यहाँ पे मरे वो जानवर इतने बदबू कर रहे हैं कूड़ा इतना बदबू कर रहा है कि लोगों को निकलना इतना दूभर है। जो ये कानपुर नगर निगम अपने कैमरा पर्सन करण शर्मा से कहना चाहता हूँ कि जो ये जो नहर है इसी जो गंदगी है वो अपने दर्शकों मेरे दर्शकों को दिखाएं। कानपुर नगर निगम द्वारा जो अपने बड़े बड़े दावे फेल होते कि स्मार्ट सिटी है कहाँ रह गया स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी जो केवल कहने को रह गया स्मार्ट सिटी। और आप बताते चले कि जो ये स्मार्ट सिटी है ये स्मार्ट सिटी केवल जो भाजपा सरकार थी भाजपा सरकार के जो वर्तमान समय के जो विधायक यहाँ पे हैं वो केवल अपने दावे ठोकते हैं कि मेरा ये है मैंने ये कराया क्षेत्र के अंदर मैंने वो कराया क्षेत्र के अंदर। और आप पता चले जो दर्शक हैं जो प्राइम टीवी के दर्शक हैं उनको लगातार जो है मैं ग्राउंड जीरो से लेकर के और जो पूरी जो जाँच है इनकी जो सरकार के दावे हैं विभाग के दावे जो नजर आ रहे हैं वो सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन करण शर्मा के साथ। खबर कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है जहां एक छात्रा ने अपने ही मोहल्ले में रहने वाले युवक पर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। इसके बाद शिकायत लेकर परिवार के साथ युवती कल्याणपुर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सिद्धार्थनगर खुनियाव विकास खंड में पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित की गई लेकिन बैठक में सदस्यों की कमी होने की वजह से आयोजन को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि बैठक में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के सदस्यों को बुलाया गया था। श्री माता प्रसाद पांडे जी के प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ आज नियुक्त किया गया था और क्षेत्र पंचायत की बैठक चूँकि एजेंडा सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को माननीय जिला पंचायत सदस्यों को समय से नहीं पहुंचा पाए खंड विकास अधिकारी महोदय और बहुत ही लापरवाही से ये बैठक का कारनामा अंजाम दिया गया है और इसकी वजह से आज क्षेत्र पंचायत की बैठक नहीं हो पाई बहुमत के अभाव में। और 1995 से जब से पंचायती राज का नियम कानून कायम बना है तब से लेकर के आज ये पहले घटना है। बहुत शर्म की बात है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक संख्या के अभाव में नहीं हो पाई। रोजा रहकर आए और जो है और ये सोचना भी नहीं दिए जितना बीडीसी है किसी को सोचना नहीं दिए कि मतलब महिला आए। अब सिर्फ हम अकेले महिला आए हुए और मीटिंग भी अच्छे से नहीं किए इन लोग कोई बात ही नहीं मीटिंग रद्द कर दी गई। ये कौन सी राजनीति चल रही है। बैठक की एक गणपूर्ति होती है कोरम होता है वो कोरम आज पूरा नहीं हो पाया था इसी कारण आज की जो है बैठक स्थगित कर दी गई। पुनः अग्रिम बैठक जो है माननीय अध्यक्षा जी की अनुमति से सहमति से। लगातार जिला प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जनपद की एंटी करप्शन की टीम और कैंट थाने के पुलिस ने सहायक लेखा अधिकारी को चाय की दुकान पर 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी को कैंट थाने के सुपुर्द कर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और उसे जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है ऐसे में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सभी जिलों में विभागीय कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन को काफ़ी मजबूती से और तेज़ी के साथ निर्देश दिया गया हुआ और इस पर एंटी करप्शन कार्य भी कर रही है। ऐसे में गोरखपुर कैंट थाने पर हम खड़े हैं जहाँ पर एंटी करप्शन की टीम ने जिला अधिकारी अभिलेखा विभाग से एक बाबू को गिरफ्तार किया है 10,000 की रिश्वत का आरोप है। बात करते हैं हमारे साथ हैं
भ्रष्टाचार के। आप एक चीज़ बताइए, एंटी करप्शन से आप हैं और क्या नाम पड़ेगा सर आपका? इंस्पेक्टर शिव मनोहर यादव। इंस्पेक्टर साहब, आपने गिरफ्तारी की है, किन मुद्दों पर गिरफ्तारी हुई, क्या भ्रष्टाचार था, क्या इसके पास से बरामदगी हुई है? सहायक अभिलेख कार्यालय के कर्मचारी रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पत्नी के इलाज की प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए उसी ऑफिस के बड़े बाबू सुशील कुमार द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसको संज्ञान में लेते हुए अन्य विधि का आवश्यक कार्रवाई करते हुए टीम गठित करके आज दिनांक 27/4/22 को दोपहर करीब 12:35 के आसपास कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर चाय की दुकान पर 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना कैंट में कराई जा रही है। इसके आगे इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और आगे की दंडनीय कार्रवाई जितनी भी है वो न्यायालय करेगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश शासन पे पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करने में लगी हुई है, एंटी करप्शन पूरी तरह से लगा हुआ है। प्राइम टीवी के लिए गोरखपुर से हिमांशु श्रीवास्तव। रायबरेली में बिजली विभाग के अफसरों और संविदा कर्मियों की मिली भगत से अवैध वसूली का खेल जारी है। शिवगढ़ इलाके में बिजली विभाग के 2 संविदा कर्मियों का ऑडियो वायरल होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत करने पर संविदा कर्मी द्वारा विजिलेंस टीम के छापे मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो हम बना देने हैं, हम आज बनाई कहाँ सुबेरन बनाई थी, लेकिन अब काल कम के अंधेरे में रहे आज हो जी ही। अरे लेकिन सुनो, जो ज्यादा डायलॉग बोल लेंगे घरे विजिलेंस से भेजे वाली होगी, विजिलेंस जाबे करी हमसे ज्यादा होती है ना, ज्यादा ज्यादा कम्प्लेन के पीछे पर है, हम विलन के ऊपर पीछे पर जाबे और फटाफट सबका हम नियम अनुसार कार्यवाही करवा रहे। तो नियमानुसार जहाँ शुरू कर देना था बहुरा जी है, फिर खबर मथुरा से है, जहां थाना क्षेत्र के ओवरलोड वाहनों पर एआरटीओ और पुलिस अंकुश लगाने में असमर्थ नजर आ रही है। अधिक भार का वाहन आए दिन घटना को अंजाम दे रहे हैं। ओवरलोडिंग से पूर्व में ही कई हादसे भी हो चुके हैं, इन हादसों में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस इन ओवरलोड के परिवहन करने वाले वाहनों पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। तो वहीं एक बार फिर से ओवरलोड ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने आइसर कैंटर में टक्कर मार दी, जिससे आइसर कैंटर चालक घायल हो गया है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ईटों का टक्कर जा रहा था और पल्ली साइड से गाड़ी आ रही, गाड़ी स्पीड में कम से कम 100-120 जी, और ट्रैक्टर स्पीड में हो तो दौड़ना के आमने सामने टक्कर भाई। कितने व्यक्ति घायल हैं इसमें? इसमें दो व्यक्ति, उनको कहाँ पहुँचाया गया है? एक हैदर हॉस्पिटल में जी फिलहाल, और एक कंडक्टर नहीं है फिलहाल, कंडक्टर नहीं है फिलहाल। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।